भाई हेलो हट जाइए फोटो साथे साथे मीडिया हमारे बीच रहेंगे, स्थान ग्रहण करेंगे और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं हमारे संगठन के नेताओं, कार्यकर्ताओं और मीडिया वालों से, आप सामने से खुला कर ले जगह और हम हमारे कार्यक्रम को यादगार स्मृति के रूप में आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मंच पर परिवार के लोग रहेंगे और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो हृदय चौना लाड़ी लाड़वा नेता स्वर्गत श्री अपना चौधरी वचमा। वैसे तो पूरा संगठन ही उनका परिवार है, हमेशा उन्होंने ऐसे ही सबको संभाला है। मैं उन सबकी ओर से आपको आज इस श्रद्धांजलि सभा में आप उपस्थित रहे। सत्ताईस साल हुए, बहुत छोटा था मैं तब उनके साथ जुड़ा थी, यही शब्द थे। उसके बाद में हमने जब जब मिले, संजय जी से मिले, अनिल देसाई जी से मिले, आदित्य जी से मिले, उद्धव जी से मिले हम लोग तीन या चार बार, तभी भी उन्होंने एक ही बात बोली हम आपके साथ लहरे और ये जो एक रिश्ता दिख रहा है वो और भी गहरा पहले से ही हो जाता, क्योंकि काम विचार सब एक साथ जैसे ही थे। संजय जी जो मुझे बताते रहते हैं, अभिनव से मेरी जो बातें होती रहती हैं, दिल से प्यार, दिल से जो विचार आते हैं, क्योंकि हम जो भी सुन रहे हैं, जो भी उनके बारे में और भी जानकारी लेते हैं, तो यही बात सामने आती है कि मन से कभी राजनीति नहीं, सभी हर वक्त दिल से राजनीति होती थी और जो राजनीति होती थी वो भी लोगों के लिए होती थी, इतनी यहाँ के जो सारे परिवार जो सामने बैठे हुए हैं उनके लिए होती थी। आज मुझे जब यहाँ आने के लिए फोन आया अभिनव का, मुझे लगता है 4-5 दिन पहले अपनी बात हुई कि आज श्रद्धांजलि सभा है, तो उन्होंने पूछा कि आ सकते हैं क्या। मैंने बोला ये तो सवाल भी नहीं है, क्योंकि हक से कहो तभी तभी यहाँ आते जाएंगे। और ऐसे नहीं कि हम कुछ अलग परिवार से हैं। जब देलकर तय जी थी, कला बहन जी थी, तभी भी आना था, लेकिन कोविड की जो संकट थी वो बढ़ता रहा। और ऐसे नहीं कि एक परिवार से दूसरे परिवार को मिलने आया हूँ, हम सब एक ही परिवार है। हम आपके आभार मानने आए थे पहले भी और अभी भी कि आपने जो एक परिवार को यहाँ समर्थन दिया है, सपोर्ट दिया है, क्योंकि जो भी लड़ाई थी वो अन्याय के विरुद्ध, और वो पहला जो टप्पा था, पहला कदम था वो तो चुनाव में हुआ है, लेकिन न्याय करने के लिए अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। आज ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज यादें हैं, अलग अलग अपनी अपनी जो यादें हैं वो यहाँ, ये सारी यादें आज के लिए नहीं, ये प्रेरणादायी यादें हैं और इसको आगे लेके जाना है। कल अभिन आप हो, अभिनव आप हो, साथ में जब आए हैं ऐसे लगता भी नहीं कि हम कई चंद महीने पहले मिले थे, अभी ये वर्षों का एक इतिहास लगता है, ये नाता, ये रिश्ता बहुत अलग लगता है। मैं सिर्फ यही कहूंगा जो संजय जी कह,
कि इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। और ये रिश्ता कोई सिर्फ आपसी संबंध नहीं है, ये तो हमारे देश के लिए है, ये जनता के लिए, समाज के लिए है। और प्यार का एक रिश्ता आगे लेके जाने के लिए ये शुरुआत हुई है। आज यहाँ के मैं सिर्फ अपनी ओर से मुख्यमंत्री महोदय उद्धव ठाकरे साहब से, हमारे सारे परिवार से मोहन भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यही अभी के लिए रुकता हूँ। लेकिन जब जब बुलाते रहोगे, दिल से बुलाइए, जैसे आपने मुझे फोन करके कहा था नहीं आपको आना ही है, वैसे दिन रात कभी भी कहिए, हम आप सभी के लिए यहाँ हाजिर रहेंगे और सभी साथ में रह के अगला जो कोई काम करना है वो साथ में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। सभी जो आप बोल रहे हो, कुछ समय में जो डेवलपमेंट चल रहा है पिछले 10 दिनों से, मैं काफ़ी, मैं अभी ये सोशल कामों में आप जो मैंने पब्लिकली ये किया, मैंने ज़्यादा अपडेट अभी लिया नहीं है। सबसे पहले हमारा फर्ज ये बनता है कि हम पुण्यतिथि के दिन हम उनको याद करें, जो सोशल कामों है उनको हम एग्जीक्यूट करें। और जो सबसे मेन चीज़ आज जो है, आज जो ठाकरे साहब उनकी उनका परिवार, पूरा शिवसेना का परिवार, जीके साहब का आना, संजय राउत साहब का आना यहाँ पे, पूरे परिवार यहाँ पे आ जाना एक साबित ही करता है कि हमें, हमारा प्रदेश अकेला नहीं। पिताजी अकेले पड़ गए थे, उनके साथ जो ताकत होनी चाहिए थी वो ताकत नहीं, वो दो साल उनके साथ ताकत नहीं थी जो इस सरकार के सामने हम थोड़ा लड़ सके, हमारे कामों हो सके, हमारे काम यहाँ एग्जीक्यूट हो सके। लेकिन आज आदित्य साहब ने वो बात एक कही और थोड़ा हमें भी ये लगा कि यही ताकत मेरे पिताजी रहते और ये ताकत जो मिलती हमारे प्रदेश का जो सारी समस्या है, सारी जो तकलीफ है, वो आज हमें नहीं देखने पाए। दोनों थे वैसे ही यहाँ की जनता के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, इसलिए आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए, कोई राजनीतिक इसमें मामला नहीं। संजय जी, संजय जी, दिनों में क्या इसकी जांच शुरू फटाफट होगी? जांच हो रही है, जैसे मैंने कहा कि ये न्याय तो कैमरा पर चुनाव का था, वो तो क्लब है, इनको न्याय जनता ने दिया है, अभी आगे ये काम आगे लेके जाना है। आज सिर्फ श्रद्धांजलि किया है। उद्धव जी, राष्ट्रपति चयन की बात अभी सामने आ रही है, शिवसेना का स्टैंड क्या है? मुझे लगता है आज यहाँ वैसे कोई राजनीतिक बात नहीं करनी है, आज डेलकर जी के लिए आए हैं और उनकी यादों में जैसे उन्होंने प्रेरणा दी यहाँ की जनता को, वैसे ही सभी को आगे चलिए।